फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मॉर्निंग के पौने आठ हो रहे हैं, तो मैं अभी से मेरी ब्लॉग को मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मेरी बेटी की क्लास है, तो मैं बहुत देर तक आप लोगों के साथ नहीं मिल पाऊँगी। जब मेरी बेटी की क्लास ख़त्म हो जाएगा, तब मैं आप लोगों के साथ मिलूँगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ और यहाँ पे मेरी बेटी की दो क्लास हो चुकी है और एक क्लास बचा है। अभी थोड़ा सा टाइम है उसको होने में, तो बीच में जो अभी गैप टाइम है उसके बीच में आप लोगों के साथ बातें कर रही हूँ। और मैं इसलिए आप लोगों को अभी फटाफट से बताने वाली हूँ कि मैं आज दोपहर को क्या बनाने वाली हूँ। आज दोपहर को बनाने वाली हूँ मैं कद्दू, ये देख रहे हैं कद्दू, ये कद्दू की सब्जी बनाऊंगी। और आज मंडे है तो मैं प्याज लहसुन बिल्कुल हम लोग घर में नहीं खाते हैं, तो ये बिना प्याज लहसुन के अदरक से बन जाएगा। और एक मज़ेदार चीज़ मैं बनाने वाली हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो बनाऊँगी सोया बड़ी की बड़ी। तो मैंने सोया बड़ी को ये देखिए बॉयल करके धुआं निकल रहा है, ऐसे रख ली। तो थोड़ी देर बाद मैंने इसमें इसको उतार के इसको अच्छे से अच्छे पानी से साफ करके धो के फिर इसको छोटे छोटे टुकड़े करके काट लूँगी। उसके बाद मैं बताऊँगी कि प्रोसेस और क्या क्या है। तो पहले मैं ये सब्जी काट लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ फिर मिलती हूँ। सबसे पहले कड़ा गरम हो चुका है, तो मैं अभी मेरी बेटी सोयाबीन की सब्जी भी, वो उसको खाना बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा सा उसके हिसाब से सब्जी बनाऊंगी बिना आलू के और बिना प्याज लहसुन के उसको भी बनाऊंगी। तेल थोड़ा सा, तेल गरम होने के बाद, तेल गरम हो चुका है तो मैं थोड़ा सा इसमें जीरा डाल दिया। और ये मैंने टमाटर इसके लिए काट के रखे थे, ये भी मैं डाल दूंगी। टमाटर जल्दी से सॉफ्ट होने के लिए मैं इसमें नमक ऐड कर दूंगी, ज़्यादा नहीं, इसके हिसाब से नमक ऐड करूंगी इसमें। और इसको थोड़ा सा गलने दूंगी टमाटर। टमाटर सॉफ्ट हो चुका है तो मैं इसमें हल्दी थोड़ा सा, उसके हिसाब से लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, फिर मैं क्या करूंगी ये जो है इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, मसाला ना जले और ये भी अच्छे से इसमें सारे मसाला एब्जॉर्ब हो जाए। तो इसके लिए तो ये ज़्यादा मैंने वो नहीं करूंगी, ग्रेवी नहीं बनाऊंगी, हल्का सा गाढ़ा गाढ़ा सा ग्रेवी बनाऊंगी। तो ये देखिए ये बन रहा है, इसको तो ये तो सोयाबीन जो है ना, ये सोयाबड़ी, ये बहुत टाइप के बनते हैं। तो अभी हल फिलहाल देखिए ऐसा हो गया और बनने में फटाफट बन जाते हैं। तो ये देखिए सूख गया है, तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, बस। अब इसमें गरम मसाला एवरेस्ट का ये वाला, तो इसको थोड़ा सा ऐड कर दूंगी इसमें। अब इसको कुछ देर ऐसे हिला के ढक के मैं छोड़ दूंगी। और ये बन गया सोया बड़ी, तो इसको मैं उतार लेती हूँ पहले। ये देखिए ऐसा बनेगा ये। और अभी जो मैं बड़े बनाऊंगी उसके लिए ये जो बेसन लिया इसका मैं बैटर बना के अलग से रख दूंगी। और ये बैटर में मैं डालूंगी थोड़ा सा हल्दी,
थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि मुझे मैं जो बड़े बनाऊंगी ना उसमें मैं दूंगी हरी मिर्ची, तो इसको मैं अच्छे से मिला के इसका एक स्मूथ बैटर बना के थोड़े रख दूंगी। थोड़ा सा और पतला, थोड़ा सा बस। ये ऐसा पतला होने से अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। तब तक मैं दूसरा सब्जी बना के तैयार कर लेती हूँ। सेम कढ़ाइया ले ली और उसमें मैंने तेल डाल दी थी ना, अब इसमें मैं गरम होने के साथ, हाँ गरम हो गया है तो मैंने कद्दू को जो काटी हूँ ना तो इसके छिलके मैंने नहीं हटाई, ऐसे ही काट के आलू और कद्दू को पानी में भिगो के मैं रख दी थी। अब ये तेल अच्छे से और गर्म हो जाए, तेल गर्म हो चुका है और मैं जो ये कद्दू और आलू है ना एक ही साथ मैं तेल में छोड़ूंगी। थोड़ा सा इसको हिला के मैं इसको कवर करके कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी और ऐसे फ्राई करते करते ही ना ये पूरा गल जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे आलू और कद्दू, तो मैं अभी इसको रख के छोड़ देती हूँ। मैं जो बड़े बनाऊंगी अभी उसके लिए मैंने यहाँ पे दो आलू लिया है, लेकिन एक आलू में सिर्फ आलू और ये देखिए मैंने मूंगफली को अच्छे से थोड़ा सा ड्राई रोस्ट करके उसको अच्छे से मैंने मिक्सर में पीस लिया है, क्योंकि इससे आलू की बड़े अच्छे नहीं दिखेंगे तो थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट लाने के लिए मैंने इसमें ऐड कर दूंगी। और ये पापा जी के लिए, क्योंकि सोयाबड़ी पापा जी नहीं खाते हैं तो ये जो आलू है इसको मैंने अलग रख दी, और ये जो आलू है इसी से मैं भी वो बनाऊँगी सोयाबड़ी से बनाऊँगी। तो इसमें मैं अदरक मिर्ची थोड़ा सा और अदरक दे देती हूँ, अदरक का टेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा इसमें। और ये जो सोयाबीन को मैंने देखिए ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट के रख ली थी तो इसको भी मैं इसमें अभी डाल दूँगी। और ये मूंगफली जो मैंने ऐसे बारीक से पीस ली थी इसको भी मैं इसमें थोड़ी सी डाल दूँगी। फिर इसमें डाल दी मैंने हल्दी, नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा आमचूर पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा ये वाला चाट मसाला मैं डालती हूँ इसमें फ्रूट वाला, तो थोड़ा सा इसमें चाट मसाला। अब मैं इसको अच्छे से हाथ से ऐसे मैश कर लूंगी पूरा। देखिए इसकी ऐसे ही
मार्क के मैं इसको कुछ देर के लिए छोड़ देती हूँ। अब ये देखिए इसका थोड़ा सा देखिए सारे सॉफ्ट हो चुका है, ये कद्दू भी और ये आलू भी सॉफ्ट हो चुका है, तो इसमें मैं डाल दूंगी ये अदरक, मैंने किस की रखी थी ये अदरक डाल दूंगी। फिर इसमें एक ही साथ अदरक के साथ ही मैं इसमें नमक भी डाल दूंगी, क्योंकि ये नमक डालने से सब्जी और थोड़ा सा हो जाएंगे, और साथ ही में टमाटर। इसको मिला लूंगी, ये अदरक जैसे थोड़ा सा इसमें पूरी मैश हो जाएंगे और इसकी खुशबू भी अच्छा आने लगेंगे ना, तब इसमें मैं और भी दूसरा मसाले ऐड, सॉफ्ट हो रहा है तब तक मैं इसको ऐसे ही ढाक के रख देती हूँ इसको कवर करके। देखिए पूरी सब्जी सॉफ्ट हो गई, तो मैं इसमें अभी हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये सारा डाल के मैं इसको अच्छे से पका लूंगी। अभी ऐसे जिस दिन बिल्कुल प्याज लहसुन बिना हो कुछ भी, और इसको प्याज लहसुन से भी ये कद्दू की सब्जी बनाऊं तो बड़ा अच्छा लगता है खाने में। तो अभी मैं इसको कुछ देर के लिए होने देती हूँ और अच्छे से ये पक जाए, और इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी मैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये देखिए इसकी और ये कद्दू कितना गल के इसमें पूरी मिक्सअप हो जाते हैं ना, तो ये खाने में वो और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो मैं अभी इसको ना ढक के रख देती हूँ, फिर थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाएंगे आलू वालू पूरी मिक्सअप हो जाएंगे, फिर उसके बाद मैं इसको उतार लूँगी। तो मैं इसको ढक के रख देती हूँ अभी, और ये देखिए सब्जी बन गया, इसको बंद करके। और ये देखिए सब्जी एकदम ड्राई ड्राई है, लेकिन खाने में बहुत टेस्टी। और ऐसे बना भी सकते हो आप लोग, या फिर लंबे से कैसे भी साइज मतलब शेप के आप लोग बना सकते हो इसको, बड़ा सिंपल है बनाना इसको। और मैं थोड़ा सा इसमें वो डीप फ्राई नहीं करूँगी, मैं सैलो फ्राई करूँगी इसको। और हरी मिर्ची और नमक इसमें मैंने ऐड कर दी, सिंपल सा है पापा जी के लिए। तो एक तरह वो वाला फ्राई हो रहा है, और गैस मैं बिल्कुल सीम पे रखी हूँ, ज़्यादा वो तेज नहीं, क्योंकि भी अंदर वाला भी पक रहा है। तो मैंने ऐसे गोला बना के फिर इसको मैं बेसन में डिप करके फिर इसका बड़े बनाऊँ। देखिए बड़े बन चुके हैं, ये है बस आलू की बड़े
और ये बाकी सब सोया बड़ी और आलू मिला के, ये आलू और मूंगफली की बड़े हैं। तो आप लोग भी बना के खाइए, ये टेस्ट करके देखिए कैसा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स लंच तैयार हो चुका है, पापा जी को और रितुल को मैंने खाना भी दे दिया, और मेरे घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलिए आप लोग को दिखा देती हूँ, और फिर मुझे किचन के में जो बर्तन है वो भी मुझे भी धोना है। तो देखिए क्या हालत है, ये देखिए ये है। कल शाम को मैं उतर कर लाई थी बट नहीं जमा पाई, मैं बाहर चली गई थी, फिर ये हालत हो गई। और ये देखिए रितुल की काम है ये, मुझे अभी सब कुछ जमाना है, और किचन भी अभी बहुत कुछ साफ तो कर ली मैंने, बट मुझे साफ तो हो गया पूरा, और वो जो बर्तन आप लोग देख रहे हो ना, वो सारे बर्तन मुझे अभी धोना है। वैसे तो नॉर्मली मैंने पूरा साफ कर लिया, तुरंत बाद ही मैं साफ कर लेती हूँ, नहीं तो मुझे बड़ा ही अजीब लगता है, बाद में इकट्ठा हो जाता है इतना सारा। तो मैं तुरंत बाद ही मैं गैस वैस सब कुछ साफ करके रेडी कर लेती हूँ। तो चलिए अभी बर्तन धो लेते हैं। हो गया मेरा किचन का
काम कंप्लीट और रितुल अभी भी खाना खा रही है। रितुल खाना इतनी धीरे धीरे खाते हैं कि क्या पता है। और बाहर आज ज़्यादा धूप भी नहीं है और यहाँ की सारे जो पेड़ है ना, देखिए मेरे पीछे सारे पेड़ सब कट गए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आज मेरी ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। मेरी ब्लॉग अगर आप लोग को अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। फिर कल मिलूंगी आप लोगों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।